फाइंड वी ए और वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वोल्टेज निकालना है। तो ये सर्किट में सिंपल है, हम लोग को सिर्फ देखना है यहाँ पे। ये देखिए, इस ब्रांच में 2 ओम करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में 2 ओम, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे कौन कितना 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर यहाँ पे, यहाँ पे 4 एम्पियर होगा, यहाँ भी 4 एम्पियर आएगा, यहाँ भी 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा, इधर से 1 एम्पियर जा रहा है, 4 एंड 5। तो इस ब्रांच में कितना 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू R। तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, देखिए 4 एम्पियर ये आ रहा है यहाँ से और 1 एम्पियर यहाँ से ये जा रहा है। तो इस ब्रांच में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई 5 हो गया, आर दिया हुआ है 5, तो 25। तो V इक्वल टू -25 आपकी हो गई। ओके, अगर हम लोग इसमें बात करें कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इधर से आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो 3।